कॉन्ग्रेचुलेशन, खुदा की हुजूरी हमारे बीच में। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर आज जो मैं सुनूं सो गुना फलों को लेके आऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। एक बात को आपने याद रखना, परमेश्वर ने कहा तुम्हारी लड़ाई शारीरिक नहीं आत्मिक है। आमीन। इसलिए हम मांस और लहू के साथ नहीं लड़ रहे। हमारा विरोधी आरएसएस नहीं, हमारा विरोधी सिख नहीं, हिंदू नहीं, कैथोलिक नहीं, हमारा विरोधी शैतान है, बाइबल कहती। आमीन। और परमेश्वर ने कहा अगर ये युद्ध हमारा आत्मिक है तो हमें लड़ना भी आत्मिक रीति से ही पड़ेगा। और आत्मिक रीति से वही लड़ सकता है जिसकी स्पिरिचुअल, जिसकी अंदर की आंखें जो है वो खुली हैं। अगर एक क्रिश्चियन अपनी अंदरूनी आंखों से अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ को देखना शुरू कर दे तो उसे परमेश्वर का महान पर्पस, परमेश्वर की महान योजना, डिवाइन पर्पस, महान प्लानिंग उसकी, उसको नजर आएगी। और जब परमेश्वर की योजना आपको नजर आएगी आप गिरेंगे नहीं। आज एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इसे ध्यान से समझ गए। बाइबल कहती पुराना नियम आपके इंटरटेनमेंट के लिए नहीं लिखा, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए नहीं लिखा। यह कोई टोटका नहीं है कि आप 100 बार पढ़ोगे तो आप ठीक हो जाओगे। बाइबल परमेश्वर के लिखे हुए वचन है, यानी परमेश्वर के जो वचन रियल है वो ये नहीं है, वो बोले गए हैं। इसमें सिर्फ हम जानते हैं कि उसने बोला क्या था। आमीन। और जब ये वचन आप पढ़ते हो जो बाइबल में लिखे हैं आपके, तो इसमें लिखा, जब हम निर्गमन 1 बाब 2 बाब 3 बाब पूरा पढ़ेंगे, हम आप इसे घर जाके पढ़ेंगे, मैं कुछ कुछ हिस्से इसके पढ़ूंगा। इसमें लिखा यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था, और यूसुफ और उसके भाई और पीढ़ी के सब लोग मर मिटे। इसराइल की संतान फूलने और फलने लगी। वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते गए और इतना बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा था जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, तो आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, ऐसा ना हो कि वह बहुत बढ़ जाएं और यदि लड़ाई का समय आ जाए तो वो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और हम देश से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वाले बंदे नियुक्त किए जो उन पर भार डाल डालकर उनको दुख देते थे, और फिरौन ने उनके लिए पितोम उम रामसेस नामक 2 भंडार वाले नगरों को बनाया। पर ज्यों ज्यों वो उनको दुख देते गए त्यों त्यों वो बढ़ते गए और फैलते गए, और इसलिए वो इजरायलियों से अत्यंत डर गए। सब बोलो आमीन। एक सवाल आपके दिल में आता है, क्यों मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ? मैं तो बहुत अच्छा हूं लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वाई, क्यों लाइफ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इज़राइली लिखा एक राजे के अधीन गए, क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। उनके बच्चे पूछते होंगे क्यों, क्या हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी नहीं है कि हम 70 लोगों को बचा सके, उसने क्यों हमें मिस्र में भेजा? क्योंकि वो 70 लोग थे जो परमेश्वर की संतान थे, अब्राहम, याकूब, यूसुफ, इजहाक, उसके जो सारा वंश 70 लोग थे सिर्फ। और उनसे परमेश्वर ने वायदा किया था, मैं तुम्हें आकाश के किणकों के समान करूंगा। हाँ या ना? अगर परमेश्वर उन 70 लोगों को मिस्र के अधीन ना करता, वो 70 लोग कभी जिंदा नहीं बच पाते। लोग उनको मारते, दूसरे राजा उनको लूटते, डाकू उनको लूट के लेके जाते। अगर वो 70 लोग उस राजे के अधीनगी में नहीं जाते तो जिंदा नहीं बच पाते। ये कारण था उनका 400 साल उस राजा की अधीनगी करने का। क्योंकि परमेश्वर आपके लिए बेस्ट जानता है क्या है। टाइम आ गया था छूटने का। आमीन। सुनो ध्यान से, अब 400 साल बीत गए थे, छूटने का टाइम आ गया था। अब इजरायली छूटने को तैयार नहीं थे। वो इतना आदत हो गई थी उनको मछलियां खाने की, चिकन खाने की, वो छूटने के लिए तैयार नहीं थे वो। और परमेश्वर जानता था कि अब तुम्हें
छूटना है, अब तुम्हें आगे बढ़ना है। और अब परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने राजे के दिल में यह डाला कि वो उनके साथ बुरा बर्ताव करे और उनको कठिन सेवा दे और उसको मारे और पीटे और उसको दुख दे और उनके बच्चे छीन ले, उनके बच्चों को मार दे, ऐसा व्यवहार वो उनसे करने लगा। क्योंकि अगर इस व्यवहार के बिना मूसा उनके पास आता और खुदावंद मूसा को उनके पास भेजता यह कह के कि मैं मूसा हूं खुदा का दास, चलो मेरे पीछे प्रभु ने बुलाया है, तुम्हें दुख तो जरूर होगा लेकिन तुम छूट जाओगे, सब बोलते ए कौन मूसा, कौन दास, चल भाग जा यहां से, ऐशदाई थोड़ी है इतना निकलांगे, ऐसी हम खुश हैं यहां पे, राजा हमारी रखवाली करता है, हमें खुद तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, हम बस टैक्स देते हैं, आराम से खाते हैं पीते हैं, हम क्यों जाएंगे तेरे पीछे। परमेश्वर ने राजे के दिल में यह डाला कि वो उन्हें दुखी करे, और बाइबल कहती है दुख थोड़े दिनों का नहीं था, सालों चला, फिर भी लिखा इसराइली फलवंत होते गए। एंड में राजा ने कहा पूरी प्रजा को इकट्ठा करके कि मैंने दो धाइयां रखी थी, जब इसराइली लड़कियां वो औरतें प्रेग्नेंट होती थी, जब बच्चा जन्मने वाली होती थी, तो मैंने धाइयों को हुक्म दिया था अगर तो बेटा हो तो मार देना, बेटियां हो तो रख लेना। लेकिन वो धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, और जब किसी को मैसेज आता था कि वो लड़की वो बेबी जन्मने वाली है, हाँ, तो वो लेट जाती थी जानबूझ के, अगर मैंने इधर से जाना है तो पूरी चर्च घूम के जाती थी और राजा को बोलती थी, वो बहुत फुर्तीली है, हम जैसे ही वहां पहुंचती हैं उनका बेबी हो चुका होता है। इसका मतलब परमेश्वर आपको डिवाइन हेल्पर्स देगा। सुनो ध्यान से, अपनी लाइफ को एक पिक्चर की तरह अपने सामने लेके आओ और उसका हर एक इवेंट उसको याद करो, आपकी लाइफ की हर घटना को याद करो, आप खुदा के बड़े हाथ को वहां पाएंगे। जब परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, फिर राजा के दिल में डाला कि वो उन्हें दुखी करे, उनके बच्चे तक मारने लग गए, और तब परमेश्वर ने मूसा को चुना। वो मूसा बच्चा था अभी, उसकी मां को मालूम हो गया कि अब मैं अपना बेटा छुपा नहीं सकती, उसने पानी में एक टोकरी बना के मिट्टी की और लकड़ी की उसने उसमें उसको फेंक दिया। किसने उठाया उसे? रानी, रानी ने, राजे की बेटी ने, क्योंकि वो नदी पे नहाने गई थी। कोई रानी, कोई राजकुमारी नदी पे नहाने नहीं जाती थी, ये रूल था, ये रूल था राजघरानों का कि कोई रानी नदी पे नहाने नहीं जाती थी, उनके लिए पॉन्ड होते थे, उनके लिए स्विमिंग पूल बड़े बड़े उनके घराने में होते थे। पर उस दिन परमेश्वर ने उसके दिल में डाला, आज तू जब नहाएगी तो नदी में जाएगी, क्योंकि वहां मूसा था। और बाइबल कहती है जब मूसा वहां पहुंचा तो उसकी बहन भी पीछे पीछे थी कि मेरे भाई का क्या हुआ, जब टोकरी खोली गई तो मूसा रो रहा था, उसने एक्सेप्ट किया मूसा को। मूसा 40 साल उस भवन में रहा राजकुमार बन के, पता है क्यों? क्योंकि मूसा चुना हुआ था, परमेश्वर जानता था अगर मूसा चुना हुआ है और मैंने अपना दिल, अपना कर्म और अपनी पूरी तरह से अपनी इच्छा और मेरे काम करने का तरीका अगर मूसा पे प्रकट नहीं किया तो यह कल लोगों को छुड़ा नहीं पाएगा। कैसे? क्योंकि मूसा राजघराने में बड़ा हुआ। जब मूसा अभी पलंग पे होता था तो पलंग से नीचे उतरने के लिए जूती आती थी सोने की, कारपेट बिछता था और मूसा निकलता था। और जब मूसा 40 साल का हुआ उसे मालूम हुआ, अरे मैं तो हिब्री हूं, मैं तो मिस्री थोड़ी हूं, मैं अपने भाइयों को छुड़ाऊंगा। और बाहर जाके दो भाई जब लड़ रहे थे उसने एक मिस्री को मार दिया और रेत में छुपा दिया। अगले दिन जब बाहर गया तो उसके अपने इब्री बोले, अपने हिब्री भाई बोले, ए हमें मत रोक, जैसे कल तूने एक मिस्री को मार दिया था तुझे हमें मारने आया। मूसा को समझ आ गई, ना तो बल से, ना मेरे राज से, ना शक्ति से, अगर खुदा का काम करना है तो किसके द्वारा होगा। लिखा मूसा भागा, क्योंकि मूसा को लगता था अपनी शारीरिक पोजीशन, अपनी राजकुमार की कुर्सी, अपनी पावर और अपने पैसे से मैं परमेश्वर का काम कर लूंगा।
इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, लोग सेवकाई में फेल हैं क्योंकि सेवकाइयां पैसे से नहीं चलती, ये परमेश्वर की पावर से चलती हैं। और मूसा को यह बात समझाने के लिए परमेश्वर ने उसको 40 साल की ट्रेनिंग करवाई। 40 साल वो राजकुमार के घराने में रहा, उसकी बात को कोई मोड़ नहीं सकता था, अथॉरिटी वाला बंदा बना दिया उसको। पर उसको यह बात फिर समझाई गई ट्रेनिंग के द्वारा कि तेरी शारीरिक अथॉरिटी, तेरी शारीरिक पोजीशन, तेरा फेम, तेरी पावर, तेरा पैसा परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मूसा भागा जब उसे मालूम हुआ कि मेरी कत्ल की बात खुल गई, लेकिन वहां से भागा, वहां से भागा, अगले देश में चला गया मिधान में। वहां पे उसको कुछ औरतें मिली जिनके साथ चरवाहों की लड़ाई हो रही थी, मूसा ने उन्हें बचाया, उनकी भेड़ों को पानी पिलाया। फिर उसी लड़कियों के पिता ने मूसा को अपने घर में रहने के लिए इनवाइट कर दिया और उसी लड़की से उसकी शादी हो गई। और बाइबल कहती 40 साल मूसा ने भेड़ों और बकरियों को चराया। 40 साल भेड़ों और बकरे को इसलिए चराया, परमेश्वर ने उसे किसी लोहार के घर नहीं भेजा, सुनार के घर नहीं भेजा, किसी किसान के घर नहीं भेजा, परमेश्वर ने भेड़ों और बकरियों को चराने वाले के घर में भेजा ताकि मूसा यह जान सके जब मैं उसको बुलाऊं कि जिस तरह ये भेड़ और बकरियां अपने आप नहीं चर सकती, उसी तरह तू मेरे लोगों को चराएगा एक दिन। हर चीज ट्रेनिंग के नीचे थी, एवरीथिंग। मूसा का दुख, मूसा का सुख, 40 साल पैलेस में रहना, 40 साल भेड़ बकरे को चराना, एवरीथिंग वॉज प्री प्लैंड, पहले से निर्धारित था, पहले से उसका उसका खाता खुल चुका था परमेश्वर के सामने, वो पहले से ही सब कुछ प्री प्लान था। आप एक फिक्स मैच खेल रहे हो, एंड में जीत आपकी है। प्री प्लान मैच, फिक्स मैच, जहां परमेश्वर उसको जानता है कि इसको जब मैं 80 साल का बुलाऊंगा, ये नहीं कहेगा आकाश में राजा पैदा होता तो मुझे इतना टेंशन नहीं होती, मैं ऐसे ही खुदा का काम कर देता, काश मैं करोड़पति होता तो ऐसे ही क्रूसेड कर लेता। करोड़पति फेल है क्रूसेड्स में, करोड़ों रुपया क्रिश्चियन कई लोगों के पास, एक रू नहीं बचती उनसे साल में। प्रॉब्लम ये है जब एक क्रिश्चियन नहीं जानता कि मैं फिक्स मैच में हूं, उसे लगता है नहीं ये प्रॉब्लम मुझे खत्म कर देगी, ये दर्द मुझे खत्म कर देगा, ये डाइवोर्स उसे खत्म कर देगा, ये बिजनेस फेलियर मुझे हार्ट अटैक दे देगा। नेवर। आप उनमें नहीं हो, आप उनसे ले लिए गए हो। वो दूसरे लोग हैं जो फेलियर से हार्ट अटैक होते हैं, आपका हार्ट फलवंत होगा और ब्लेस होगा। क्यों? रीजन, एक रीजन है, ये रीजन है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं जो आपको खुश करने के लिए आया हूं, मैं एक स्पिरिचुअल स्पीकर हूं, मैं आपको स्पिरिट की चीजें दिखाने के लिए आया हूं। आप समझ रहे मेरी बात को? आप फिक्स मैच में, जिस तरह मूसा फिक्स मैच में था, उसके पहले 40 साल फिक्स थे कि ये भवन में रहेगा, सोने चांदी की जूतियां डालेगा, इधर नौकर इधर नौकर, इसके मुंह से बात निकलेगी और पूरी होगी, ताकि मूसा जब अपने राजकुमार की कुर्सी के तले न्याय करने के लिए जाए और मेरा काम करने के लिए जाए, ट्रमेंडसली बुरी तरह से फेल हो जाए। और मूसा को यह वचन याद आए, ना बल से ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा। आमीन। अब 40 साल मूसा भागा, विधान देश में परदेशियों के रहा, वहां भेड़ों और बकरियों को चराया, रोज उन्हें गिनना, उन्हें रखना, कोई गुम जाना उसे ढूंढना। मूसा जानता था ये भेड़ें अकेली नहीं जा सकती, परमेश्वर ने उसके दिल में बिठाया कि ये भेड़ें अकेली नहीं चर सकती, और इसलिए मैंने तुझे इनका चरवाहा ठहराया। और 40 साल मूसा को एक्सपीरियंस था, लाखों भेड़ें उसने चरा ली थी, उसे मालूम था कि इसराइल के लोग बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के जैसे,
अब उसे मालूम था कि वो एक चरवाहा होने के लिए चुना गया, और जब परमेश्वर की कॉल उसको आई, उसने उस कॉल को थोड़ी सी बहस के बाद रिसीव किया। क्या आप इस चीज को देख पा रहे हैं जो मैं आपको दिखा पा रहा हूं, कि आप एक फिक्स मैच में हैं, आपकी लाइफ का हर मोड फिक्स है। अगर आप खुदा से भागे नहीं, अगर आप क्विट ना करें, अगर आप पाप में ना जाएं, निराशा के टाइम भी, कंफ्यूजन के टाइम भी, जब क्यों क्यों के सवाल लाइफ में आए, तो भी अगर आप परमेश्वर की विल में खड़े रहना चाहते हैं, वो आपको तैयार कर रहे हैं अपनी विल में आपको घुसाने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए, अपने आप आपको प्रकट करने के लिए। अब उसके दिल में क्या है, वो कैसे काम करते हैं, उसको क्या पसंद और नापसंद है, वो आपकी लाइफ से आपको दिखाता, समझाता, प्रैक्टिकली आपको आगे लेके जाता है, एक बाप की तरह, एक 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 उस व्यक्ति की तरह नहीं जो पैसा लेके 2 महीने पढ़ाने के लिए आता है, हालांकि वो भी महान कहलाता क्योंकि वो टीचर कहलाता, पर ये उस बाप की तरह है जो बचपन से अपने बेटे को उस तरह से ट्रेंड करता है कि जब ये एक लेवल पे आए तो कभी गिरे ना, कमजोर होके टूटे ना। आपका आमीन जितना ऊंचा, आज ब्लेसिंग उतनी बड़ी। आप समझ पा रहे क्या? तो वो बीमारी, वो ट्रबल, नेम देम, वो मुश्किल, वो गरीबी, वो विरोध, किसी और काम के लिए नहीं, पर आपको खुदा की पावर में लॉन्च करने के लिए। आप जानते हैं आपके विरोधी आपके नौकर हैं, पता है क्यों? वो आपके लिए काम करते हैं। जहां आपका प्रचार नहीं पहुंच पाता, आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं पहुंच पाता, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको वहां नहीं लेके जा सकता, आपके विरोधी आपको वहां, आपके नौकर हैं वो। मैं सही कह रहा हूं? कभी नाराज मत हो उनसे, नेवर, हमेशा आनंदित रहो। आप फिक्स मैच में हो, आपका मैच फिक्स है। एक एक लाइन देख लो मूसा की जिंदगी, दाऊद की पढ़ लो, किसी की पढ़ लो, आपको एक एक लाइन में परमेश्वर नजर आएगा, एक एक लाइन में। क्यों परमेश्वर ने उनको अधीन रखा 400 साल? ताकि वो सुरक्षित रहें। अब निकालना क्यों चाहता था? ताकि अब उनकी जिंदगी में वो वायदा पूरा हो जो मैंने उनसे कहा था। अब निकालने के लिए परमेश्वर, वो अपने आप निकलने के लिए राजी नहीं होते, परमेश्वर ने दुख देने शुरू किए, दुखों से उन्होंने दुहाई देनी शुरू की। दुहाई देने के बाद परमेश्वर ने मूसा को भेजा, मूसा की तैयारी 80 साल करवाई। परमेश्वर में आपका पेन बड़े गेन के बराबर, अकेले गेन के नहीं, बड़े गेन के, बड़े गेन के, बड़ा फायदा। अगर आप ये बात समझ आए तो, वो मैच फिक्स था, पहले 40 साल फिक्स थे, अगले 40 फिक्स थे। परमेश्वर ने पूरी तरह सिखा दिया, मूसा तूने करना क्या, अब तुम्हें मालूम है। हालेलुया। उसे मालूम था अब क्या करना है। उसके लोगों ने गलतियां की, मूसा बड़ा गुस्से वाला व्यक्ति था, 40 साल क्योंकि वो अथॉरिटी में रहा था, अमीर घराने में, गुस्से वाला था वो। अगले 40 साल जब उसने भेड़ों के साथ बिताए, अगले 40 साल परमेश्वर ने उसे हलीम कर दिया। और अब उसके लोग जब बेवकूफियां करते थे तो वो उन्हें मारता नहीं था, उनका कत्ल नहीं करता था, उनको समझाता था, कई कई बार वो प्रूफ करता था, गुस्सा करता था। लेकिन वो 40 साल जो भेड़ों के साथ बिताए, उसे मालूम था ये भेड़ें अपने आप नहीं चल सकती। क्या आपकी लाइफ में हो रहा है? किस जगह से आप गुजर रहे हो? किस कंफ्यूजन से जा रहे हो? आप सोचो, परमेश्वर पेन का यूज करता है, कई बार कंफ्यूजन यूज करता है वो, हेट्रेड, नफरत, कड़वाहट, अकेलापन वो यूज करता है। इन चीजों को वो यूज करके आपको अपने करीब लेके आता है वो। पर जब वो ऐसी चीजें हो रही हो आपकी लाइफ में, क्या आप खुदा के करीब जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी लाइफ को आप स्पिरिचुअल एंगल से देखने के लिए तैयार हैं, या आप शारीरिक व्यक्ति को तरह देखेंगे? क्योंकि बहुत से लोग थे जो फेल हो गए, सैमसंग की तरह, बहुत से लोग फेल हो गए शाउल की तरह। जब आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया,
बुलाया, बुलाहट दी, अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल एंगल से नहीं देखा, अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल आईज से नहीं देखा, अंदरूनी आंखों से नहीं देखा, बल्कि अपनी आंखों से जज करते रहे कि नहीं अभी फर्क तो पड़ा नहीं, अभी बपतिस्मा नहीं लेंगे, पहले देखेंगे, क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, उसने आपके लिए नया क्रूस पे चढ़ना है क्या, फिर कोड़े खाने, क्या देखेंगे। अपनी लाइफ को चेक करो, अपनी लाइफ को देखो, आपका एक एक महीना जो पीछे बीता आप चेक करो। अगर आप खुदा के साथ जब पूरे थे, हर घटना जो आपके साथ हुई ये स्वर्ग में लिखी गई थी, स्वर्ग में इस मकान रूपी आपकी कॉलिंग को, कॉलिंग रूपी मकान कह लो, इसको स्वर्ग में इसका नक्शा बनाया गया था। आपका डर इस नक्शे को खत्म कर सकता है। आपका आत्मिक रीति के साथ ना देखना अपनी जिंदगी को उस प्लान को फिनिश कर सकता है। पर अगर आप तैयार हैं अपनी लाइफ को आत्मिक रीति के साथ देखने के लिए, जब पौलुस को मालूम हुआ कि जो कांटा मेरे शरीर में है वो खुदा ने भेजा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी, उसने रोना प्रार्थना करनी उस विषय में बंद कर दी। आपको जो स्पिरिचुअली समझ आता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, आमीन, आप फिक्स मैच में हो और इस फिक्स मैच में आप 100% विनर हो, आपकी हार का कोई चांस नहीं। हीरो कभी मरते नहीं, हीरो मैंने कहा मरते नहीं, लेकिन पौलुस को पत्थर मार मार के लोग मरा समझ चल गए, उसने एक बार भी नहीं कहा परमेश्वर मेरी आत्मा ग्रहण कर, बुद्धिमान था। उसने कहा मैं मुंह से स्वीकार ही नहीं करूंगा, मैं मरूंगा। उस स्तिफनुस की तरह नहीं था, कहता कुछ नहीं बोला, जब चेले आगे इकट्ठे हुए तो वो फिर से जी उठा। आप फिक्स मैच में हो, आपका मैच पहले से फिक्स, लाइफ फिक्स है पहले से। परमेश्वर आपको निकालेगा, वो दुखों के दिन, वो परीक्षाओं के दिन आपको निकलना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं क्रिश्चियनिटी में, कोई शॉर्टकट नहीं। आपको हर क्लास में से निकलना पड़ेगा, हर कोर्स पूरा करना पड़ेगा, हर किताब पढ़नी पड़ेगी। आप खिंचेंगे, आपका कोर्स लंबा हो जाएगा। आप गुस्सा करेंगे प्रभु पे, आपका कोर्स लंबा हो जाएगा। आप भागेंगे इधर उधर, दारू पीने चले जाएंगे निराशा में, आपका कोर्स लंबा हो जाएगा। आप प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, कहीं और से सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो रास्ता लंबा हो जाएगा। और फिर से घूम के आएंगे वापस, माफी मांगेंगे फिर से, और फिर से तौबा करेंगे, फिर से उस ट्रैक पे तो आ जाएंगे, लेकिन फिर चलना पड़ेगा और हर कोर्स पूरा करना पड़ेगा। और जब आप वो कोर्स पूरा कर लेंगे, कोई आपको बीट नहीं कर पाएगा। अगर प्रभु ने आपको चुना, अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया, तो क्यों डरते हो? आपकी सिचुएशन लिखी गई है, आप उसे मोड़ नहीं सकते। सिर्फ प्रेयर में ग्रेसफुली आप उस पर रुक के प्रार्थना करके उस पर आगे बढ़ सकते हो। वो करेले का घूट हो, वो सेब का जूस हो, आपको पीना पड़ेगा। आपको हर कोर्स लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने वो ले लिया, मैंने कहा कोई आपको बीट नहीं कर पाएगा, नोबॉडी। परमेश्वर ने कभी कॉपी नहीं चुना, आप यूनिक हो, बिल्कुल यूनिक। अगर प्रभु ने मुझे चुनना होता, अगर मैं संसारिक दृष्टि देखूं, तो वो मुझे तब चुनता जब मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनके अपने पूरे शबाब पे था। वो मुझे तब ना चुनता जब मेरी पढ़ाई दड़ाई सब रह गई थी और मैं मेंटली अपसेट था और लोगों से बात नहीं कर सकता था। मेरा ये प्रीच करना अपने आप में मिरेकल है। मैं बुद्धिमान होके नहीं चुना गया हूं, महामूर्ख होके चुना गया हूं। हाँ, एक पागल के रूप में चुना गया हूं, जिसने जलंधर का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा,
कोई जगह नहीं छोड़ी, सब जगह देखभाल के, दवाइयां खा के, सब करा के, सब कुछ। और ऐसे अटैक होते थे मेंटली, अब सॉरी खाना नहीं खाना, कितने कितने दिन तक रोते रहना, कितने डिप्रेशन में रहना, अब गाड़ी उठाना, ओवरडोज नशे की लेना, दो दो घंटे में 2 किलोमीटर लेना, इधर जाना सीधे जाना, सीधे चले जाना, सीधे जाके पता लगना 5 किलोमीटर मेरा घर तो पीछे, वहां सीधे जाना, सीधे निकल जाना, ऐसा डिप्रेशन। और मुझे आज भी याद है गाड़ी के बीच में अपना मोटरसाइकिल, दो गाड़ियों के बीच में, इतना ओवर नशा। और थैंक गॉड मैं जीवित हूं, आमीन। तो इसलिए मैं नहीं कहता कि मैं समझदार था, मैं ये था, मैं जानता हूं मैं क्या था, इसलिए मैं कह रहा हूं वो आपको भी कर सकता है। आपकी सिचुएशन मुझसे बुरी नहीं है, अगर वो उसको उठा के ऐसा बना सकता है, आप तो पहले से बेटर हो। थोड़ा टाइम लगेगा आप पे, तो आप तैयार है क्या? उसको योद्धा चाहिए, योद्धा होते ना स्टिल स्टैंड स्टिल खड़े होने वाले। अपनी लाइफ का सोची जाना, नो, परमेश्वर में आप अपनी लाइफ का सोचोगे तो परमेश्वर का ये बेइज्जती है। उसको लगता है ये अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा अच्छा सोच सकता है, अच्छा मैं इसके बारे में कम सोच सकता हूं, ऐसा ही है क्या? आप अच्छा सोचते परमेश्वर से, आप ज्यादा अच्छा सोचते प्रभु से, क्या प्रभु सोचता आपसे ज्यादा अच्छा आपके लिए? परमेश्वर सोचता आपके लिए, करता भी है वो। उसके हाथों में आज से सब कुछ दे दो। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैंने कहा गॉड ब्लेस योर फैमिली, गॉड ब्लेस योर फाइनेंसेस, गॉड ब्लेस योर लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम में आमीन हो आशीषों जी चर्च। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।